हेलो जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है प्रवीण क्रिएटिविटी एंड ब्लॉग्स। तो भी सुबह का टाइम है, अब टाइम हो चुका 10 बज चुके हैं सुबह के, और दिन हो चुका है, आज मंगलवार का दिन है। और उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। दिवाली की तैयारियाँ, साफ सफाई जोरों शोरों से चल रही होगी। तो अभी मेरी भी चल रही है, देखो किचन पूरी साफ कर रखी है। सबसे पहले मैंने खाना बना के रख दिया, क्योंकि बीच में मेरे को फिर कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। जिसको खाना पीना होगा वो खा लेगा, और अपने मैं अपने काम में लगी रहूँगी, क्योंकि किचन में पूरा एक दिन लग जाता है। ढेर सारे बर्तन होते हैं और ये रैक वैक होते हैं, कई 4-5 रैक है, तो ये साफ करूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। एग्जॉस्ट फैन भी उतार के साफ करना है, और ये वाला भी करना है, और ये देखो भी कितने सारे डब्बे वगैरह, ये देखो वहाँ पे दो उनमें रख रखे हुए बर्तन, वो दो रखे हैं, और कुछ एक वो छोटा रैक, एक ये वाला लकड़ी वाला है, और एक उस साइड में रखा हुआ भी ये रैक, एक ये लगा हुआ दीवार में। बड़ा सा टब पानी का भरकर रख रखा है मैंने, हमारे पानी आया तब। कुछ कांच की बोतल है और कुछ ऐसी है जो भी सामान के ढेर सारे डब्बे हैं। और ये देखो अभी यहाँ पे भी है बर्तन, ये मैं यहीं पे धो दूंगी। इसमें कुछ कांच के गिलास कटोरी हैं और कुछ वैसे हैं। तो भी आज तो फिर पूरा मेरा दिन लगने वाला है किचन में, तो फटाफट से कर लेती हूँ अपने काम, क्योंकि भी बस 4 ही दिन ही बाकी रह गए दिवाली के, फिर और भी तैयारियां करनी है ढेर सारी। तो अभी लग जाती हूँ भाई कमर कस के। ये बर्तन है तांबे के और पीतल के, और ये कांसे के हैं ये। तो अब मैं साफ करूंगी इनको भी बेकिंग पाउडर से, और ये ले रखे नींबू इसकी मदद से। और ये हो गए भी ये बिल्कुल साफ पीतल के बर्तन। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी पी चैनल पर आया है सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और तो यहाँ पे अब सारे बर्तन अलमीरा में से भी निकाल रही हूँ। ये कभी कभार इस्तेमाल होते वो वाले तो भी इसमें रख रखे हैं, और जो बिल्कुल ही साल में 6 महीने में यूज़ होते हैं वो अंदर एक पेटी है बर्तन वाली, तो उसमें भर कर रख रखे हैं। कभी कभार ज़रूरत होती है तो उनको निकाल लेती हूँ, वरना उसी में सेट है वो। और ये यहाँ पर भाई 2-4 दिन में यूज़ होने वाली ऐसी चीज़ें हैं, या कुछ ऐसा सामान है जो कभी कभार यूज़ होता है, तो वो वाला इस अलमीरा में रख देती हूँ, ताकि चिपचिपा ना हो बाहर। एग्जॉस्ट वगैरह तो है, चिमनी नहीं है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा बर्तनों में वैसे हो ही जाते हैं, कितना ही कोशिश कर लो। और मैं तो भाई जल्दी जल्दी साफ़ भी कर लेती हूँ, ये नहीं कि भी दिवाली पर ही साफ़ सफाई करती हूँ। तो भाई कभी भी जब भी मूड होता है, ऐसा लगता है कि भाई करनी चाहिए, थोड़ी गंदी सी हो रखी है, तो कर लेती हूँ, ये थोड़ा थोड़ा करके लगी रहती हूँ अपनी तरफ से। तो इतनी ज़्यादा गंदगी नहीं होती, वरना फिर तो भाई बस पूछो ही मत। जो ये होता है एग्जॉस है, तो इसको साफ़ करने में तो भाई पूरी वो लग जाती है, और ये नीचे उतार के ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये कभी कभार ही उतारने को मिलता है। तो यहाँ पे अखबार वगैरह थी वो निकाल दिए है, और ये देखो यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरे घर में बर्तन ही बर्तन हो रखे हैं। आज तो पैर रखने की भी जगह नहीं है, इतने सारे डब्बे वगैरह, गैस स्लेब सब कुछ बर्तन ही बर्तनों से लदी हुई है। तो अब कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हो चुका 5:30 बजे का टाइम, और मेरा काम अब हुआ है समाप्त। क्या भी ये सफाई का काम था वो हुआ है, ये अभी फ्रेश गिल्ला है, यहाँ से साफ किया है, धो दिया है, और मेरी किचन हो चुकी है साफ। तो ये यहाँ पे चने और आलू बॉईल होने के लिए रखे हुए हैं, बॉईल हो चुके हैं, और ये देखो भी सेट कर दिया है बिल्कुल सारा सामान, यहाँ से यहाँ तक, ये देखो सारा सामान अब तो सेट कर दिया है।
यहाँ पे छोटे छोटे डब्बे रख रखे हैं, उन पर ये टॉवल सा डाल दिया है ताकि चिपचिपा ना हो। और इस साइड में है ये रैक, तो यहाँ पे है, और जो ऊपर डब्बे रखे हुए थे मैंने यहाँ पे सेट कर दिए हैं सारे, दाल वगैरह जो भी है। और इसके बाद अलमीरा में रख दिया है जो सामान है वो यहाँ पे सेट कर दिया। अब इतना सारा सामान हो जाता कि बस पूछो ही मत, छोटी सी किचन दिखाई देती है और सामान इतना सारा है कि पूरा फुल हो रखा है। और मेरी हालत ऐसी हो रखी भी मैं अपना फेस नहीं दिखा सकती क्योंकि भी सुबह की लगी हुई हूँ, तो एकदम ऐसी हो रखी है। तो आगे मैं दिखाऊंगी आज मैंने क्या ऑर्डर कर रखा था, क्या मंगवाया है, वो चीज भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये मंगवाई थी, दिवाली की अपनी शॉपिंग कर ली है, इतनी भारी है तो एक हाथ से फोन ले रखे और एक हाथ से मैं ये करने की कोशिश कर रही हूँ। एक मिनट, तो मैंने ये चीज ऑर्डर कर रखी, ये थाली इस तरह की, एकदम बिल्कुल हैवी है थाली, और इस तरह का इस पर डिजाइन हो रखा है। और ये देखो भी, तीन इसमें कटोरी है, एक में रायता, दो में सब्जी, एक में दाल, एक में सब्जी, एक में रायता, इसमें चावल और इसमें रोटी, ये हो गई हमारी थाली कंप्लीट। तो मैंने इसलिए मंगवाई है कि कई बार कई सारे मेहमान आ जाते हैं तो भी बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, और ये वाली मेरे को अच्छी लग रही थी, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर रखी थी, फ्लिपकार्ट से ली है। तो ये है, अगर हम एक पीस लेते हैं तो 300 कुछ रुपए का है, और ये मैंने यहाँ पर 6 का सेट मंगवाया है तो ये 285 रुपए की एक पीस पड़ा है। तो ये थी मेरी शॉपिंग, तो ये मेरी 6 प्लेट है। तो बताना भाई एकदम हैवी है, कैसी लगी आपको मेरी ये दिवाली की शॉपिंग, ये प्लेट्स। तो भी आज के ब्लॉग को यहीं पेंड कर देती हूँ, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, और बेल की घंटी को भी ऑन कर लिया करो, बेल की घंटी कह रही हूँ, बेल को भी ऑन कर लिया करो ऑल पे, और उसके बाद फिर आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा मेरी वीडियो का। तो फिर मिलते हैं, बाय।